चल ढूंढ लाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। हमारी तैयारी अभी लोहागढ़ जाने की, मैं जा रहा हूँ और गित्तू। टाइम हो रहा है अभी 11:31 में, तो चलो निकलते हैं। तो पावर बैंक भी रख लिया, सामान सब रख लिया। चलो तो चलो जी, हम पहुंच गए बिल्देधार में और अब हमने जाना है यहाँ से यहाँ को। तो गित्तू ने ना पहली बार ही 7 या 8 किलोमीटर चला रखी है ना। अभी हम जाएंगे मित्तू ये मामा के यहाँ बिसंग, तो वहीं पे जाएंगे क्योंकि वो वहीं से ना बीएड कर दिया, तो वहीं से कॉलेज नज़दीक पड़ता है, तो बिसंग ही है। तो चलो पहले चलते हैं मित्तू के पास, फिर चलेंगे कहीं घूमने। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, वहीं जाके पता चलेगा। तो चलो चलते हैं अब लोहाघाट के लिए इस साइड से, और ये वाली रोड की यहाँ से सीधे चमदेवल को। तो गाइस ना, यहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा हैं, तो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और शाम को तो बहुत ठंडा हो जाता है। जब हम वापसी आएंगे ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। गाइज अभी हम जा रहे हैं सीधे ही यहाँ से बिसंग, तो वहाँ पे ना खाने खाने के लिए रुके, तो खाना भी बन रहा था वहाँ पे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के। तो चलो जी पहुँच गए मामा के यहाँ। हेलो, तो चलो यहाँ पे खाना आना तैयार हो रखा है और नानी ने बना रखा है। हेलो हेलो हेलो, तो खाना भी बन रखा है, चलो खा लेते हैं। बनाओ बनाओ, मैं दाल हूँ कि ना भी रहे। नानी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हाँ तो चलो धूप में बैठ के खाते हैं। चलो जी खाना पीना खा लिया है, तो अब ना मित्तू और गित्तू को ले जा रहा हूँ मैं ऊपर को घुमाने के लिए। हम लोग ना जाएंगे यहाँ ऊपर को सुई साइड को। भाई यहाँ पे देखो खाद कितनी लगा रखी है। तो गाइस हम जा रहे हैं ना अभी ऊपर साइड को, और ये सामने में गांव दिख रहा है ना ये वाला, ये है सुई, और इसके सामने में देखो हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। तो चलो हम आ गए यहाँ दुकान में बंद करके खाने, और यहाँ से खाएंगे। एक बार पहले भी खा रखा था, बढ़िया हुआ था यहाँ, और इन दोनों को लेके आ गया। तो चलो ये आ गया हमारा बंद के साथ दूध। ठीक है मित्तू, बाय बाय गित्तू, चले। तो चलो हम निकल गए घर के लिए, अब ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि धूप जाते तो ठंडा हो जाता है, और टाइम हो गया अभी
शायद से 3:30 बज रहा है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे ना, स्कूटी का पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा था तो दिखाने के लिए। छोटा क्यों लग रहा है मुझे? तो गाइस मैं इसका मीटर भी नहीं चल रहा था तो ये पूरी वायर चेंज करनी होगी करके। तो चलो अब टायर भी चेंज कर ही लेते हैं। तो ये वाला टायर डलवा रहे हैं। गाइस टाइम देख रहे कितना हो गया, ये 4:23। तो 1 घंटा लगेगा हमें घर पहुँचने में अभी। कितना टाइम और लगेगा यहाँ? चला के चेक कर रहे हैं। चल रहा है, चल रहा है। तो चलो मीटर भी सही हो गया और पीछे के ब्रेक थोड़ा टाइट कर दो। कितने को ना ये वाली स्कूटी पसंद आ गई है ये वाली। जी भाई गिट्टू गाइस, आज तो ना स्कूटी में बहुत काम करा दी। टायर चेंज कर दिया, मीटर सही करवा दिया, सीट कवर लगवा दिया और ये वाले शीशे लगा रहे। चलो जी शीशे भी लग गए और सब काम हो गया। और टाइम देखो 5 बजने वाला है, 1 मिनट है। तो चलो निकलते हैं घर को और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। तो गैज हम लोग जा रहे थे घर को सारा काम निपटा के और यहाँ पे ना सनसेट का व्यू इतना तकड़ा आ रहा है। ये वाला देखो सामने में कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम हैं कली गांव के ऊपर, ये वो सामने मेरी लोहाघाट की मार्केट। तो चलो चलते हैं। तो हमने आना यहाँ को, तो मैंने यहाँ पे ना बैक करके ये वाला व्यू दिखाने के लिए ऐसे बैक कर दी दोबारा से। चलो अब चलते हैं। ये ऐसे ये वाली रोड थी हमारे को, सीधे जा रहे थे हम यहाँ से बैक करके ये वाला व्यू देखने के लिए भाई। भाई इतना अंधेरा हो गया ना ये, और ठंडा ऊपर से ठंडा भाई। तो चलो जी काकड़ी तो पहुंच गया और यहाँ पे आग जला रखी है तो आग सेक लेते हैं। और ना मैंने ये वाला हेलमेट पहन लिया था और ये गिट्टू ने, क्योंकि ब्लैक है ना दिख नहीं रहा। तो चलो जी घर तो पहुंच गया और टाइम देखो कितना हो गया, 6:35। तो गए आज ना गिट्टू बना रहे खाना। गिट्टू क्या बन रहा है? और ये वाला पनीर काटना है मैंने। भाभी लोग नहीं है तो ना खुद ही करना पड़ रहा है काम, ये तब लगे आज किचन में गिट्टू और मैं। तो चलो गिट्टू ने बना दी सब्जी और नमक नहीं डाला क्योंकि मम्मी ने खा दिया ना, तो मम्मी ने नमक डाल दिया और मम्मी रोटी बना रही है, फिर खाते हैं। खाना पीना भी हो ही गया, अब है सोने की तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, बाय, टेक केयर।